Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here back with the part 7 of the chapter, that is political theory and introduction. Till now we have completed 6 parts of the similar chapter, and I hope all those parts are clear to all of you and we are able to understand the meaning of political theory. What do we study in political theory and why should we study it? Right, but today that we are going to study, why should we study political theory in detail? It means till now we are able to get at least that basic idea. If we want to be rational, we will have to study political theory, right? So today we are going to discuss it in detail, that why should we study political theory. Fine, so let us start now. We may have political ideas, but do we need to study political theory? अब देखो, हमारे पास पॉलिटिकल आइडियाज हो सकते हैं, पर क्या हमें पॉलिटिकल जो आपकी थियोरी है उसको स्टडी करने की नीड है, उसको पढ़ने की जरूरत है? इज इट नॉट मोर सुटेड फॉर पॉलिटिशियंस हु प्रैक्टिस पॉलिटिक्स? मतलब अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या एक जो कॉमन पर्सन है, इज दैट रिक्वायर्ड कि वो पॉलिटिकल थियोरी पढ़े? क्या उसको जरूरी है पॉलिटिकल थियोरी पढ़ना? बिकॉज पॉलिटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिशियंस एंड दोज पर्सन्स हु आर प्रैक्टिसिंग द पॉलिटिक्स. So what is the work of politics with us? Why should we study it? Right? Or for bureaucrats who make policies? मतलब politics का directly connection किसके साथ है? या तो जो politics को practice करते हैं politicians हैं, या फिर जो हमारे bureaucrats हैं, it means जो हमारे civil servants हैं, उन्हीं के लिए तो आपकी politics matter करती है. We are the common people, हमारे तो इतना interaction नहीं है politics के साथ, then why should we study it? Getting my point? और फॉर दोज हु टीच पॉलिटिकल थियोरी, या फिर उन लोगों के लिए होना चाहिए ना जो पॉलिटिकल थियोरी पढ़ा रहे हैं, राइट? और फॉर लॉयर्स एंड जजेस हु इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, या फिर उन लॉयर्स के लिए, उन वकीलों के लिए या जजेस के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार इंटरप्रेट करते रहते हैं, बार बार लॉज को इंटरप्रेट करते रहते हैं, तो उन्हें अपनी बातों को रैशनल बनाने के लिए, बेसिस प्रोवाइड करवाने के लिए, दे विल हैव टू रीड पॉलिटिकल थियोरी, राइट? और फॉर एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट हु एक्सपोज एक्सप्लोइटेशन, या फिर ऐसे जर्नलिस्ट के लिए जो एक्सप्लोइटेशन के अगेंस्ट में वॉइस राइज करते हैं एंड डिमांड न्यू राइट्स, जो सोसाइटी में नए नए ट्रेंड्स अमर्ज हो रहे हैं तो उसके बाद जो सोसाइटी में नए नए राइट्स की डिमांड उठ रही है, तो फिर या फिर उसके लिए पढ़नी चाहिए पॉलिटिकल थियोरी. व्हाट डू वी, मतलब आप लोग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, गेन बाय नोइंग द मीनिंग ऑफ फ्रीडम और इक्वालिटी? आप लोगों को क्या समझ आएगा जब आप समझोगे पॉलिटिकल थियोरी में कि फ्रीडम क्या है, इक्वालिटी क्या है, आपका क्या कनेक्शन है उसके साथ, राइट? देखो क्या समझा आप लोगों ने, दैट व्हाई डू वी स्टडी इट, क्योंकि हमारा डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, या तो पॉलिटिशियन का डायरेक्टली कनेक्शन है बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पॉलिटिक्स, राइट? या फिर किसके साथ कनेक्शन है, या फिर वो लॉयर्स हैं, वो जजेस हैं जो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, बार बार लॉज को इंटरप्रेट करते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट समथिंग बाय द पॉलिटिकल थियोरी, राइट? और इट कैन बी रिलेटेड टू ब्यूरोक्रेट्स ऑल्सो, दोज हु आर रिलेटेड टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, राइट? सो इट मीन्स दोज पीपल, दोज पॉलिटिशियन, दोज लीडर्स हु आर डायरेक्टली कनेक्ट विद द पॉलिटिक्स एरिया, फॉर दैम डेफिनेटली इट इज वर्किंग, इट इज बेनिफिशियल. बट नाउ क्वेश्चन इज दैट द हाई स्कूल स्टूडेंट्स, वट यू विल गेन बाय रीडिंग पॉलिटिकल थियोरी? आप लोग इन फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे आइडिया से आपको क्या मिलने वाला है? फाइन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल थियरी इज रेलिवेंट फॉर ऑल द अबाउट टारगेट्स ग्रुप्स. पहले तो ऑल दो हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे कि इन सब के लिए पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मतलब जितने भी रेलिवेंट ग्रुप आपको दिखे उन सभी टारगेटेड ग्रुप्स के लिए पॉलिटिकल थियरी रेलिवेंट है. एज हाई स्कूल स्टूडेंट्स वी मे चूज वन ऑफ द अबाउट प्रोफेशन इन द फ्यूचर, एंड सो इनडायरेक्टली इट इज रेलिवेंट फॉर अस इवन नाउ. फ्यूचर में हो सकता है आप में से कोई एक ब्यूरोक्रेट बन जाए, हो सकता है फ्यूचर में से आप में से कोई एक मतलब पॉलिटिशियन भी बन जाए, लॉयर बन जाए, जज बन जाए, तो ऑफ कोर्स यू मे चूज दैट काइंड ऑफ प्रोफेशन ना विच आर ऑलरेडी अबव मेंशन, एंड इफ यू आर एलिजिबल टू चूज दोज प्रोफेशन देन व्हाई शुड नॉट यू स्टडी इट, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग यू द बेस ना. अब देखो यही कि आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर में कोई भी इनमें से एक प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हो, राइट? इसीलिए रेलिवेंट है इनडायरेक्टली पॉलिटिकल थियोरी को रीड करना. डू वी नॉट लर्न मैथमेटिक्स? ऑल दो नॉट ऑफ अस, नॉट ऑल ऑफ अस विल बिकम मैथमेटिशियंस और इंजीनियर्स. हम लोग मैथ्स तो सभी पढ़ते हैं ना,
हमें से ये क्वेश्चन नहीं पूछते, मेरे को तो इंजीनियर नहीं बनना, मेरे को तो मैथमेटिशियंस नहीं बनना, तो फिर मेरे को क्यों पढ़ना है मैथ? हम कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछते ना. इज इट नॉट बिकॉज बेसिक अर्थमेटिक इज यूजफुल टू द लाइफ इन जनरल? और क्यों नहीं पूछते आप? क्योंकि आपको पता है जो बेसिक कंसेप्ट है मैथ के, दे आर बेनिफिशियल फॉर यू एंड यू आर गोइंग टू यूज दैम इन योर डेली लाइफ, राइट? एंड इफ यू आर गोइंग टू यूज दैम इन डेली लाइफ, देन इट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, राइट? एंड इन द सिमिलर मैनर, जब आप एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट में रह रहे हो, आप एक ऐसी एरिया में रह रहे हो, एक स्टेट में रह रहे हो, राइट, जहां पर पॉलिटिक्स डायरेक्टली कनेक्टेड है, सो हाउ कैन यू डिनाई कि पॉलिटिक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट? आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी ऑल्सो वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और नॉट, बट पॉलिटिक्स इज इंटरेस्टेड इन यू, दैट्स वाई यू विल हैव टू रीड इट. इट मीन्स मे बी इन फ्यूचर यू कैन अडॉप्ट एनी ऑफ द प्रोफेशंस व्हिच आर ऑलरेडी मेंशनड अबव. गॉट इट? अब देखो फिर सेकेंडली, वी आर ऑल गोइंग टू बी सिटीजन्स एंटाइटल टू वॉट एंड डिसाइड अदर इश्यूज. और चलो वो छोड़ो, आपको चलो मान लिया इनमें से भी कोई प्रोफेशन चूज नहीं करना, तो फिर भी देखो यू ऑल आर गोइंग टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया ना. यू आफ्टर फ्यू ऑफ द ईयर्स यू आर गोइंग टू गेट वोटिंग राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट ऑफ आर कंट्री बाय विच यू कैन डिसाइड द फ्यूचर ऑफ आर कंट्री, दैट राइट यू आर गोइंग टू हैव, राइट? तो जब आप एक सिटीजन बन जाओगे, तो सिटीजन होने के नाते एटलीस्ट आपके पास बेसिक आइडिया होना चाहिए ना कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ एंड ऑर्डर कैसे वर्क करता है, क्या स्ट्रक्चर है हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का, कैसे राइट्स मिलते हैं. गॉट इट? तो इट इज, अब देखो, टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली इट इज हेल्पफुल टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ द पॉलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस दैट शेप द वर्ल्ड वी लिव इन. और इसीलिए अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वर्क करना चाह रहे हो ना, तो बहुत यूजफुल है, बहुत हेल्पफुल है कि आपको एक बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए. क्यों? ताकि आप पॉलिटिकल आइडियाज लगा सको हमारी कंट्री में इंस्टीट्यूशंस कैसे वर्क कर रहे हैं, हमारी कंट्री के इंस्टीट्यूशन उस शेप में कैसे हैं जैसे आज हम लोग जी रहे हैं. सो यू विल बी एबल टू गेट दैट आइडिया. इट मीन्स अगर देखो, अगर मान ली आपको कोई प्रोफेशन, ये भी अबव मेंशन प्रोफेशन भी आपको चूज नहीं करना, बट इवन देन सोच के देखो, आप एक सिटीजन तो बनोगे ना, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए हमारी लेजिस्लेचर कैसे वर्क करती है, एग्जीक्यूटिव कैसे वर्क करती है, जुडिशरी कैसे वर्क कर सकती है. इन फ्यूचर में बी द केसेस कैन बी रिलेटेड टू यू ऑल्सो ना, तो एटलीस्ट यू शुड नो हाउ वी आर गोइंग टू सोल्व दैट. हु इज द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन दैट इज गोइंग टू, यू कैन से, सोल्व योर ऑल ऑफ द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, राइट? क्लियर? इट मीन्स इट इज क्रूशियल इन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इट इज क्रूशियल दैट वी लर्न टू बी रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड इफ वी आर टू पार्टिसिपेट इन ग्राम सभा और ऑफर आवर व्यूज ऑन वेबसाइट्स एंड पोल्स. अब देखो आज सबको पता है आईटी का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड इफ वी वॉन्ट टू लर्न समथिंग, इफ वी आर एबल टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन पार्टिसिपेट, है ना? और देखो हमने क्या पढ़ा था, ग्राम सभा तो गांव के जितने भी अडल्ट सिटीजन है उनकी एक सभा होती है, उनकी एक असेंबली होती है. तो इट मीन्स इफ यू आर able to understand the structure of the country, if you are able to know the basic structure of our political system, what you can know, you can understand the system, you can express your ideas on websites and polls, you can express it, right? If we simply express arbitrary preferences, we will not be very effective. अगर हम क्या करें, simply express कर सके arbitrary preferences के साथ, तो हम क्या करेंगे, हम ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं हो सकते हैं ना, राइट? वी विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस आर सेल्फ इन द इफेक्टिव मैनर, राइट? बट इफ वी आर थॉटफुल एंड मैच्योर, वी कैन यूज द न्यू मीडिया टू डिस्कस एंड एक्सप्रेस आर कॉमन इंटरेस्ट, राइट? अब देखो अगर हम कुछ थॉटफुल हैं, मैच्योर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आइडियाज को डिस्कस कर सकते हैं, हम हमारे कॉमन इंटरेस्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? सो वट वी आर एबल टू गेट, कि अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो वी आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, राइट? वी आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, वी कैन बी थॉटफुल, वी कैन बी मेच्योर इनफ दैट वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स, वट इज रैशनल, वी कैन एक्सप्रेस इट थ्रू मास मीडिया, थ्रू न्यू मीन्स ऑफ मीडिया, वी कैन डिस्कस आवर कॉमन इंटरेस्ट एज वेल, फाइन?
So that is the reason that why should we study it, right? After that, as citizens, we are a bit like the audience in a music concert. और देखो क्या होते हो आप, as a citizen क्या हो आप, just एक audience, जैसे एक music concert में होता है. We are not the main performers interpreting the songs and melody. आप वो तो नहीं हो ना, मतलब आप direct policies नहीं बना रहे, आप directly leaders नहीं हो, आप directly, it means आप क्या नहीं हो, आप एक music concert में बैठे हो just like an audience. आप कोई song गा नहीं रहे हो, आप कुछ interpret नहीं कर रहे हो, आप कोई performer नहीं हो. But we set the agenda and appreciate the output and put in new request. लेकिन suppose अगर कोई music concert चल रहा है, आप लोग सपोज इसमें परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो, बट इवन देन व्हाट कैन यू डू, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप उनसे कुछ कुछ नई नई रिक्वेस्ट कर सकते हो ना, दैट प्लीज यू कैन सिंग दिस काइंड ऑफ सॉन्ग, आप उनसे नई नई रिक्वेस्ट कर सकते हो ना. तो इट मीन्स वी, व्हाट कैन वी डू, वी कैन अप्रिशिएट द आउटपुट ना, हम लोग उनके सामने क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, राइट. हैव यू नोटिस्ड दैट म्यूजिशियन परफॉर्म बेटर व्हेन दे नो द ऑडियंस इज नॉलेजेबल एंड अप्रिशिएटिव. और आप लोग कभी भी फील करके देखना, अगर कोई भी पर्सन कुछ भी परफॉर्म कर रहा है तो पर्सन कब बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाता है, जब उसको पता चलता है, जो उसको देख रहे हैं, जो उसको सुन रहे हैं, दे आर नॉलेजेबल, राइट, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट. तो तभी क्या कर रहे हैं, इट मीन्स क्या कर रहे हैं, तो अभी आप क्या कर सकते हो, हम तभी उस चीज को एंजॉय कर पाएंगे ना, राइट. So also an educated and vigilant citizenry makes those who play politics more public spirited. इसीलिए क्या होता है, इसीलिए आप जैसे लोगों की requirement है, those who will be educated, जो understand कर सकेंगे, क्योंकि because if you are able to understand the system, you will be more vigilant ना, आपको चीजें समझ जाएंगी, you will be able to understand, अगर कुछ गलत हो रहा है तो you will be able to raise your voice against that. और इसीलिए जो politicians हैं, जो मेजर रोल में है, जो म्यूजिक कंसर्ट कर, इट मींस क्या, कौन लोग जो हमारी पॉलिसीज बना रहे हैं, तो उन सबको पता होगा कि जो सिटीजन्स हमारे सामने बैठे हैं ना, दे आर नॉट फूलिश, यू कांट मेक देम फूल, दे आर आल्सो अवेयर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. अगर आप कुछ गलत करोगे, दे विल बी टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स जस्ट टू सेफ गार्ड योर सोसाइटी, जस्ट टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट योर राइट्स एज वेल, एंड टू कीप योर सेल्फ एज अ विजिलेंट सिटीजन. It is most important to read political theory. समझ आया? Because you will be able to understand all of the things, ना? आपको basic structure सारी की सारी चीजें समझ आएंगी. And after that, you will be able to express your ideas through rational basis. समझ आया? And that is the reason that the people like us, we all are common people, but we are also reading it. Fine? Thirdly, freedom, equality and secularism are not abstract issues in our life. We daily encounter discrimination of various sorts in family, school, colleges, shopping malls and so on. अब अगर आप ये आइडियाज देखते हो, हमने पढ़ा ना कि हम क्यों पढ़ रहे फिर इक्वालिटी जैसे आइडियाज, हम क्यों पढ़ रहे लिबर्टी जैसे आइडियाज, है ना, सेक्युलरिज्म जैसे आइडियाज. तो जब आप देखोगे ना सोसाइटी में, यू विल बी एबल टू फील कि आज भी इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता है. यू विल बी एबल टू सी एग्जाम्पल्स इन योर फैमिली ऑल्सो, आपको जेंडर बेस पर डिस्क्रिमिनेशन दिख जाएगा. विद योर ब्रदर एंड सिस्टर यू विल बी एबल टू फील इट. स्कूल्स में आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ऑल्सो, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑल्सो, इन द कॉलेजेस ऑल्सो यू कैन सी. शॉपिंग मॉल्स पे जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इक्वालिटी नहीं है, ऑन रिच पीपल दे विल बी स्टैंडिंग देयर, पुअर पीपल वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, राइट. और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो आप फील करते हो सोसाइटी में. वी आरसेल्व्स हैव प्रीजुडाइज अगेंस्ट पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस एज दे ऑफ आर डिफरेंट कास्ट और रिलीजन और जेंडर और अ क्लास. हम खुद को क्या फील कर लेते हैं, देखो हम क्या कर सकते हैं, एक prejudice. अब देखो prejudice मतलब क्या होता है, आपने पहले से किसी के बारे में ना कुछ conceptions बना लिए कि ये community ना ऐसी होती है, ये इस group के people ना ऐसे ही होते हैं, लड़कियां maths में intelligent नहीं होती है, ऐसे conceptions. तो आप क्या करोगे, आप फिर उस image को set करने की कोशिश करते हैं in the society as well. आप सोसाइटी के सारे पैरामीटर्स को अपने प्री नॉलेज के बेसिस पे एग्जामिन करने की कोशिश करते हो, राइट. और फिर उसके बिहाफ पे आप क्या करने की कोशिश करते हो, यू आर एबल टू सी सम पीपल आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम यू बिकॉज दे आर फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट, फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, फ्रॉम डिफरेंट जेंडर एंड फ्रॉम डिफरेंट क्लास ऑल्सो,
है ना, इसलिए आप खुद को क्या फील करते हो कि मैं इनसे कुछ सेपरेट हूं। इफ वी फील ऑप्रेस्ड वी वॉन्ट इट रीड्रेस्ड एंड इफ दैट इज डिलेड वी फील वायलेंट रेवोल्यूशन इज जस्टिफाइड। अब आप क्या फील करते हो, आप फिर सोसाइटी को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हो दैट इन विच टाइप ऑफ सोसाइटी वी आर लिविंग। अगर आपको लगता है इट इज फाइन इट इज जस्ट देन यू डू नॉट से एनीथिंग। बट अगर आपको लगता है कि कुछ ऑप्रेसिव हो रहा है, मतलब कुछ प्रॉपर वे में नहीं चल रही है चीजें, तो आप क्या चाहते हो कि इन सारी चीजों को ना दोबारा से रिड्रेस किया जाना चाहिए, राइट? और अगर फिर भी आपके डिमांड्स को नहीं माना जा रहा है, आपके आइडियाज को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा, तो फिर आप क्या सोचते हो दैट यस ऑफ कोर्स वॉलंटरी एस्पेक्ट इज जस्टिफाइड, आप वॉलंटरी मेथड्स यूज कर सकते हो दैट इज एप्रोप्रिएट, राइट? इफ वी आर प्रिविलेज्ड वी डिनाई दैट देयर इज एनी ऑपरेशन इवन एज आर मेट्स एंड सर्वेंट स्ट्रगल फॉर डिग्निटी। आप क्या, आप देखो अगर आप प्रिविलेज्ड हो, मतलब आप ब्लेस्ड हो, आपको ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कभी आपको फेस ही नहीं करना पड़ा, तो हम डिनाई कर देंगे, है ना? वी डिनाई दैट देयर इज एनी ऑपरेशन, जो जैसे हमारे मेड्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, वो भी अपनी डिग्निटी के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, बट फिर हमें फिर उस टाइम पे ऐसा नहीं फील होता कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए, है ना? लेकिन कई बार देखो समटाइम्स वी इवन फील दैट आवर सर्वेंट्स डिजर्व द ट्रीटमेंट दे गेट। कभी हमें क्या लगता है कि हमारे सर्वेंट्स को ना वो वैसा ही ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं जैसा हम उनके साथ करते हैं। What political theory encourages us to do is examine our ideas and feelings about political things. अब देखो क्या बोला आपको कि कई बार आपको फील होगा कि आपके जो सर्वेंट्स हैं यू आर नॉट डूइंग वेल विद them. दूसरी टाइम आपको क्या लगेगा कि जो उनके साथ हो रहा है दे आर डिजर्विंग दैट। तो वही जो कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है ना, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी ऑल्सो पोलिटिकल थियरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट बिकॉज इट इज मेकिंग यू द रैशनल पर्सन। अगर आप रैशनल बनोगे तो आपके सामने चाहे किसी भी टाइप की सिचुएशन है तो व्हाट यू विल बी एबल टू डू, यू विल बी एबल टू एग्जामिन दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन रैशनल बेसिस ओनली, राइट? जस्ट बाय लुकिंग एट देम मोर केयरफुली वी बिकम मॉडरेट इन आवर आइडियाज एंड फीलिंग्स। आप क्या कर सकते हो, अगर आप देखते हो उनके बारे में केयरफुली तरीके से देखते हो तो मॉडरेट बन जाते हैं, राइट? मतलब आप ना तो बिल्कुल वो होते हो कि ऑप्रेसिव वाले होते हो, ना तो आप बिल्कुल पीक पे होते हो कि अग्रेशन ही होना चाहिए, ना बिल्कुल आप उस पे कि सब कुछ टॉलरेट करते चले जाओ। देन यू विल बी एबल टू पुट योर आइडियाज इन द रैशनल मैनर एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ पॉलिटिकल थियरी, राइट? कि आपको रैशनल पर्सन बनाएंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है सोसाइटी में, क्यों करना है, कैसे करना है, ऑल द थिंग्स यू विल बी एबल टू डिस्कस, राइट? फाइनली एज स्टूडेंट्स वी एंजॉय डिबेट्स एंड एलोक्यूशन कॉम्पिटिशंस, वी हैव ओपिनियन अबाउट वट इज राइट और वट इज रॉन्ग, जस्ट और अनजस्ट, बट डू नॉट नो वेदर दे आर रिजनेबल और नॉट। देखो जब आप एक स्टूडेंट हो, आप डिबेट को इंजॉय करते हो ना, आपके स्कूल में डिबेट होती होंगी, है ना? और हमेशा आपकी क्या कोशिश रहती है कि अगर आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट के फेवर में बोलना है तो आपकी टीम जीतनी चाहिए, अगर आपको उसको क्रिटिसाइज करना है देन ऑल्सो योर टीम शुड विन। मतलब आप क्या देखते हो, आप लोग उस टाइम पे क्या देखते हो, आपके ओपिनियंस होते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है, है ना? उस टाइम पे हम क्या करने की कोशिश नहीं करते, आप जस्ट ये सोचते कि मेरी टीम जीतनी चाहिए, है ना? तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम रीजनेबल बनने की कोशिश नहीं करते। हो सकता है हमें कोई ऐसा टॉपिक दिया जाए जो पूरा एक टाइप से नेगेटिव हो, बट आपको उसके भी पॉजिटिव में बोलना, देन यू विल ट्राई टू गिव योर आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ओनली, राइट? Only when we argue with others, we realize the need to defend them and seek out reason and arguments. लेकिन आप argument देखो कब कर पाओगे? Argument आप तब तो कर पाते हो ना जब आपको realize होता है कि जो सामने वाला बोल रहा है ना वो कुछ गलत है, मेरे को उसको defend करने की जरूरत है, है ना? And seek out reasons and arguments. आपके arguments को बाहर निकालने की जरूरत है. Political theory exposes us to systematic thinking on justice or equality so that we can polish our opinions and argue in an informed manner and for the sake of common interest. अब ये political theory क्या करेगी, ये इसीलिए beneficial है क्योंकि आपको वो method provide करवाएगी systematic thinking कैसे होगी आपकी, है ना? आप justice, equality जैसे ideals को gain कैसे करोगे ताकि जो आपके opinions है ना आपके mind में already set हैं उनको आप repolish करो, दोबारा से समझो कि वो चीजें सही है या नहीं है, और फिर आप arguments करो किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, राइट? सच स्किल्स
of debating rationally and communicating effectively are likely to be great asset in the global information order. और ऐसी डिबेट जो होती है आपको रैशनल बनाती है, कम्युनिकेट आप इफेक्टिवली कर पाते हो, एंड लाइकली टू बी ग्रेट एसेट. और फिर आप क्या करते हो, आप क्या बन जाते हो, ग्रेट एसेट बन जाते हो एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन ऑर्डर में, है ना. दैट वाज द चैप्टर, राइट. मतलब अब क्यों, क्योंकि आपको रैशनल बनाना है, और उसी रैशनलिटी के खातिर आपको क्या पढ़ना है, उसी रैशनलिटी के खातिर आपको पॉलिटिकल थ्योरी रीड करनी है. समझ आया. मतलब पॉलिटिक्स एक ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो पॉलिटिशियन से रिलेटेड है, लीडर से रिलेटेड है, या फिर कोई एक आपका क्या हो गए सिविल सर्वेंट्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, उनसे रिलेटेड है. नो, हम डेली लाइफ में पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के साथ कनेक्टेड हैं, एंड इफ वी आर कनेक्टेड देन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप उसको अंडरस्टैंड तो करो, और अंडरस्टैंड करके उसको एग्जामिन करो चीजों को, राइट. और उसके अलावा क्या है कि अगर आप ऐसा सिस्टम अगर अंडरस्टैंड कर पाते हो, ओनली देन यू विल बी एबल टू सी ना कि क्या रैशनल हो रहा है, क्या इरेशनल हो रहा है, फाइन. और इन्हीं सारी चीजों के लिए आप क्या करते हो, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हो. क्वेश्चन का जवाब मिल गया, आंसर मिला. जब आप लोगों ने पूछा, सोचा कि हम क्यों पढ़े भाई, जब ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है तो इसको लीडर्स पढ़े, पॉलिटिशियंस पढ़े, ब्यूरोक्रेट्स पढ़े, लॉयर्स पढ़े, जजेस पढ़े, हमारा क्या इंटेंशन, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, फाइन. अब इससे पहले एक जो स्टोरी थी दैट वॉज लेफ्ट, है ना. अब देखो ये यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, आई थिंक दिस वॉज लेफ्ट, आई थिंक यस दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. अब देखो इसके बाद हम लोगों ने कहीं ना कहीं स्टोरी डिस्कस करे थे सॉक्रेट्स की, उनके स्टूडेंट्स की, रिपब्लिक बुक में जो मेंशन है. एंड विल नॉट मैन हु आर इंजर्ड बी डिटोरिएटेड इन विच इन दैट विच इज द प्रॉपर वर्च्यू ऑफ मैन. अब देखो क्या बोलते हैं कि जो मैन है, जो इंजर्ड है, वो डिटोरिएटेड होंगे, है ना. और ऑफकोर्स ये मैन की एक इंपॉर्टेंट वर्च्यू है, ऑफकोर्स. एंड दैट ह्यूमन वर्च्यू इज जस्टिस. अगर देखो अगर आप कोई पर्सन इंजर्ड है तो ऑफकोर्स वो क्या होगा, वो डिटीरियोरेटेड होगा, कमजोर होगा, है ना. ये प्रॉपर वर्च्यू है, राइट. एंड दैट ह्यूमन वर्च्यू इज जस्टिस. वो ह्यूमन वर्च्यू जस्टिस होगा, राइट, ऑफकोर्स होगा. देन मैन हु आर इंजर्ड आर ऑफ नेसेसिटी मेड अनजस्ट, दैट इज द रिजल्ट. अब जो पर्सन है, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आप स्टार्टिंग में आप लोगों ने क्या डिसीजन पढ़ा था कि आपको जस्ट किसके साथ होना है, जो आपके साथ जस्ट है. लेकिन आपको अपने एनिमी के साथ भी तब तक जस्ट रहना जब तक वो हमको आपको हार्म नहीं पहुंचाते हैं, है ना. तो इट मींस अब जो पर्सन इंजर्ड हुए हैं, क्या उनके लिए अब नेसेसरी है कि वो अनजस्ट हो जाएं? वो उसका रिजल्ट निकलता है, कॉन्सिक्वेंस निकलता है. बट कैन द म्यूजिशियन बाय हिज आर्ट मेक मैन अनम्यूजिकल? अगेन वही क्वेश्चन जहां से वो शुरुआत करते हैं कि क्या फिर जो म्यूजिशियन है वो अपनी आर्ट से बना सकता है म्यूजिकल लोगों को? ऑफकोर्स नॉट. और द हॉर्समैन बाय हिज आर्ट मेक दैम बैड हॉर्समैन? ऐसा हो सकता है क्या हॉर्समैन किसी को अपनी आर्ट से बुरा हॉर्समैन बना सकता है? दैट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल. एंड कैन द जस्ट बाय जस्टिस मेक मैन अनजस्ट? क्या कोई पर्सन जस्टिस से एक जस्ट पर्सन को इनजस्टिस बना सकता है? और स्पीकिंग जनरल, कैन द गुड बाय वर्च्यू मेक दम बैड? तो कैसा हो सकता है कि जब पर्सन अच्छे तरीके से बात करेंगे, अच्छे वर्च्यूज के साथ, सदगुणों के साथ बात करेंगे, तो क्या वो बुरा बन सकता है? तो एब्सोल्यूटली नॉट. समझ आया, फाइन. फिर देखो, नॉर कैन द गुड हार्म एनीवन. अब देखो आप वही सारी चीजें पढ़ रहे हो कि अगर आप रैशनल हो तो आप गलत कर ही नहीं सकते, राइट. क्या कोई अच्छा आदमी किसी को हार्म कर सकता है? बिल्कुल नहीं. अगर आप रैशनल हो, अच्छे हो, तो आप किसी को हार्म करोगे ही नहीं. एंड द जस्ट इज द गुड. क्या जो जस्ट है वो अच्छा भी है? जो लॉजिकल है वो अच्छा है? ऑफकोर्स, अगर आपकी बात लॉजिकल है, आपकी बात में कुछ तर्क है, कुछ लॉजिक है, राइट, कुछ रैशनैलिटी है, तो ऑफकोर्स आप गुड हो, ऑफकोर्स. तो सर्टेनली दैट इज द करेक्ट थिंग. Than to injure a friend. देखो वही कंटेक्स्ट जो आपने शुरू किया था कि आपको किसको इंजर करना चाहिए, इंजर्ड कर सकते हो, क्या आपको अपने एनिमी को इंजर्ड कर देना चाहिए? तो हमने फिर पढ़ा था कि नहीं, जब तक वो आपको कुछ नहीं कह रहा, जब तक वो आपको हार्म नहीं कर रहा, तो आप जस्टिस के थ्रू, आप एक जस्ट पर्सन हो, तो आप ऐसा नहीं करोगे, राइट. Than to injure a friend or anyone else is not the act of a just man, but of the opposite who is the unjust. I think that what you say is quite true, Socrates. अब देखो Socrates अपनी बात से वो चीजें मनवा लेते हैं कि मतलब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, अपने फ्रेंड को या फिर किसी दूसरे को अगर वो इंजर्ड कर रहा है ना, तो अगर वो इंजर्ड कर रहा है, किसी को हार्म कर रहा है, तो एक जस्टमैन का वक्त तो नहीं है, राइट. बट ऑफ द अपोजिट हु इज द अनजस्ट, क्या वही पर्सन ऐसा वर्क करेगा ना जो अनजस्ट है,
तो ऑफ कोर्स अब दूसरे लोग भी मानेंगे ना इस चीज को कि आप अनजस्ट वर्क कर रहे हो, तभी तो आप किसी दूसरे को हार्म पहुंचाओगे, राइट? देन इफ अ मैन सेज दैट जस्टिस कंसिस्ट इन द रिपेमेंट ऑफ डेब्ट्स, आप लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर आप अपने लोन को रिपे कर देते हो, है ना, अगर आप सच्चाई बोलते हो तो आप फिर जस्टिस कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो, जस्टिस को फॉलो कर रहे हो. एंड दैट गुड इज अ डेब्ट विच अ मैन ओज टू हिज फ्रेंड एंड एविल द डेब्ट विच ही ओज टू हिज एनिमीज टू से दैट इट इज नॉट वाइज फॉर इट इज नॉट ट्रू इफ एज हैज बीन क्लियरली शोन द इंजरिंग ऑफ अनदर कैन बी इन नो केस जस्ट. अब देखो फिर वही क्या है कि फिर जो एक पर्सन है, आप लोगों ने जो पढ़ा था रिपेमेंट कर देते वो जस्टिस है, राइट? अगर कोई अपना डेब्ट चुका देता तो वो भी जस्टिस है. फिर देखो एंड दैट गुड इज द डेब्ट विच अ मैन ओज टू हिज फ्रेंड एंड द एविल, मतलब वो अच्छा जिसने अपने फ्रेंड को डेब्ट दिया है, लिया है उससे, एंड एविल द डेब्ट विच ही ओज टू द एनिमीज, और वो बुरा है कि अगर उसने डेब्ट अपने एनिमी से लिया है. टू से दैट इट इज नॉट वाइज, वो वाइज नहीं है क्योंकि अगर उसने एनिमल से अपने एनिमी से लिया है. फॉर इट इज नॉट ट्रू इफ एज हैज बीन क्लियरली शोन, बिल्कुल क्लियरली दिखाया गया है द इंजरिंग ऑफ एनदर कैन बी इन नो केस जस्ट, भले वो आपने अपने एनिमी से लिया है, भले वो आपने फ्रेंड से लिया है, बट अगर आप किसी को हार्म कर रहे हो वो हार्म किसी भी पोजिशन में लॉजिकल नहीं है, दैट इज नॉट करेक्ट. आई अग्री विद यू, सेड पॉलीमार्कस. अब पॉलीमार्कस ने कहा किसको, किससे बात हो रही थी, सॉक्रेट से, कि यस नाउ आई अग्री विद यू. This was the chapter totally, right? I hope you are able to understand the whole of the chapter. Fine. The story also, the book Republic, related to Republic book, it is also clear to all of you. But if you are having any kind of doubts and queries, you can ask your doubts in comment section. We will meet in next video with the NCERT solution for the same chapter. If you are able to understand the chapter, I know it is theoretical chapter completely, and I think I am able to explain it. And if you are able to understand it, please press the like button and subscribe the channel as well. We will meet in next video. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.